नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर निबंध की प्लेलिस्ट है, उसमें हम लोगों का जो अंतिम एक वीडियो बना था वो इस बात पर था कि निबंध की एक प्रभावी आकर्षक भूमिका हम लोग कैसे लिखें, उसके हमने तमाम सारे आपको टिप्स बताए थे। उससे काफ़ी सारी बातें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। और जिनको भी ऐसा कुछ डाउट रह गया हो, तो वो आज मैं इसीलिए आपके समक्ष जो उपस्थित हुआ हूँ, तो उसमें मैं अपने ही द्वारा लिखे गए कुछ एक निबंधों की भूमिकाओं को डिस्कस करने आया हूं, जिसमें आप अलग अलग भूमिका के माध्यम से ये समझ सकें कि निबंध की हम कैसे एक बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं। तो इस लिहाज से देखिए, तो जैसा कि मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि निबंध की भूमिका जो है वो पहला ऐसा चीज है जो कि एग्जामिनर आपको आपकी पढ़ेगा, उसके हिसाब से ही वो काफी एक पिक्चर अपने दिमाग में क्लियर कर लेता है कि ये निबंध जो है आगे कैसा होने वाला है। क्योंकि निबंध की भूमिका वास्तव में एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है। अगर वह आप रोचक नहीं लिखेंगे, अगर वह आप आकर्षक नहीं लिखेंगे, तो संभव है कि वो आपका एग्जामिनर जो है वो उसके आगे पढ़े ही ना। तो इसलिए आपको अपने निबंध में उसको डुबाए रखने के लिए, उसको जो है अपनी चाशनी को इतना मीठा रखिए, इतना अच्छा रखिए कि वो उसमें डूबा रहे, उसी में तैरता रहे। तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी जो शुरुआत हो वो बहुत बेहतरीन हो। तो इस हिसाब से देखिए कि सबसे पहला जो हम लोग देख रहे हैं कि वास्तविक शिक्षा कैसी हो, इसी प्रकार का निबंध जो हमने हमारा जो डेली जो वीकली एक प्रैक्टिस सेट चलता है, फ्री प्रैक्टिस कराई जाती है उसमें निबंध की, उसमें हम लोगों ने जो वीकली टॉपिक दिया था वो यही था कि आदर्श शिक्षा का क्या स्वरूप हो या वास्तविक शिक्षा कैसी हो। तो आज हम लोग उसी का एक जो है भूमिका के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, और इससे आप एग्जांपल्स समझेंगे कि कैसी हमें भूमिका जो है वो लिखना चाहिए, क्या क्या जो हमने टाइप्स बताए थे कि इस प्रकार से आप शुरुआत कर सकते हैं, अपने उस वीडियो में बताए थे, उसको हम लोग आज प्रैक्टिकल करके देख लेंगे कि कैसा वो है। तो चलिए इसको जैसे पढ़ते हैं कि कल के अखबार में जब मैंने एक शिक्षक द्वारा, अब देखिए ये एक ऐसा भूमिका है जो कि आपके घटना बेस्ड है। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, आप लोग जैसे मैंने आपको बताया था कि चार पांच तरीकों से आप अपने भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक तो शुरुआत सबको पता है कि आप कविता या सूक्ति या कोटेशन किसी भी चीज से कर सकते हैं, ठीक है, कोई शायरी वगैरह उससे कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जैसे आप कोई उदाहरण से कर सकते हैं, किसी घटना से कर सकते हैं। तीसरा ये होता है कि आप परिभाषा देकर कर सकते हैं, अगर कोई जटिल शब्दावली है, जटिल कोई टॉपिक है, तो उसकी आप परिभाषा देकर भी शुरुआत कर सकते हैं। खासतौर पर अगर कोई तकनीकी टॉपिक है, जैसे मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी हो गया, बिटकॉइन हो गया, तो उसमें आप थोड़ा सा परिभाषा देके भी शुरुआत करेंगे तो वह भी अच्छा माना जाता है। उसी प्रकार से देखिए तो कई बार ऐसे आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है, कुछ रोचक आंकड़े प्रस्तुत किया जाता है, तो उससे भी अपनी भूमिका को आकर्षक बनाया जाता है। या फिर आप तो मतलब ये कुछ एक तरीके हैं, कई बार प्रश्नों के माध्यम से बनाया जाता है कि मतलब अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछ करके ये बताने की कोशिश की जाती है कि आगे के निबंध में हम किन किन डायमेंशंस को, किन किन एस्पेक्ट्स को कवर करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा ये वीडियो है, इसमें हम लोग यही सारी चीजें बता रहे हैं कि आपको इनमें से कौन कौन से कैसे आपको लिखना है। वो सारी एक थ्योरी की क्लास थी, आज मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पर दिखा रहा हूँ। देखिए पढ़ते हैं कल के अखबार में। अब जैसे अखबार यहाँ पर लिखा है, तो आप अगर ये एकदम शुरुआती वर्ड है, ठीक है, आपकी भूमिका का ये वर्ड है, तीसरा शब्द है आपका, तो इसमें आप देखिए कि अखबार में अगर आप नुक्ता यहाँ पे लगा देते हैं तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट का काम करेगा। क्योंकि आप भले ही आगे कहीं पे ना लगाए हो, पूरे निबंध में कहीं ना लगाए हो, लेकिन अगर आपने यहाँ पे लगाई है तो एग्जामिनर ये एज्यूम कर लेगा कि इसको पता है चीजें, और पता है तो मतलब ये आगे भी प्रयोग किया होगा। आगे आप झेल दीजिए जैसा भी आपको झेलना है, लेकिन शुरुआत में आप बहुत अच्छे से, बहुत अपनी जो बेस्ट हैंडराइटिंग होती है उसमें लिखिएगा, ठीक है। हालांकि ये मेरी बेस्ट हैंडराइटिंग नहीं है, क्योंकि मैं मतलब हमें बहुत जल्दी में लिखना पड़ता है ये सब चीजें, क्योंकि इतना समय नहीं होता हमारे पास। देखिए कल के अखबार में जब मैंने एक शिक्षक द्वारा छात्रा के यौन शोषण की खबर पढ़ी, अब देखिए पढ़ी में मैंने यहाँ पे गलती से पढ़ी लिख दिया है, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये मुझसे जरूर हो गई है, पर ऐसी आप लोगों को नहीं करनी है, मुझसे भी हो गई, ये भी अक्षम्य है। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि भूमिका में, यानी जो आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं अपने निबंध का, उसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं चलेगी। आप इसको ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसी में दूसरा वाला खोल लीजिए, इधर से, यहां से, ये नीचे, इसी में जो इधर ये पहला वाला टैब है, एडोब स्कैन वाला जो है। तो चलिए जो व्यवधान है उसको हम लोग आगे, अभी हमें इन सारे ही निबंधों को देखना है, इसमें नहीं, इधर ये जो ऊपर वाला है, सबसे पहला वाला।
तो इसमें जो अभी हम लोग ऐसे दो तीन निबंधों का इंट्रोडक्शन पर चर्चा कर रहे होंगे, इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बेस्ट हैंडराइटिंग लिखनी है, बेस्ट कंटेंट अपना देना है, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक इसमें नहीं होने चाहिए। तो देखिए, कल के अखबार में जब मैंने एक शिक्षक द्वारा छात्रा के यौन शोषण की खबर पढ़ी तो मेरा मन भीतर से कौंध गया। अब ये देखिए, मैं जरूर अपने निजी जो हमारा तत्व है यानी अपनी निजता का यहाँ पर प्रस्फुटन कर रहा हूँ, उसको डाल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, लेकिन ये वास्तव में एक घटना ऐसी है जो कि हमारे सीधे सीधे टॉपिक से जुड़ी है। क्यों टॉपिक से जुड़ी है कि वास्तविक शिक्षा कैसी होनी चाहिए। देखिए, शिक्षा देने का काम किसका है, तो वो है शिक्षक का। शिक्षा देने का काम शिक्षक का है और वो छात्रा के साथ यौन शोषण कर रहा है, तो ये एक बहुत ही घृणित अपराध है जो कि हमारे समाज की सच्चाई है। ऐसा बहुत ज्यादा देखा जाता है और वास्तव में ऐसी अपराध के शिकार बहुत ज्यादा मतलब लड़कियां ऐसा होती हैं और जिनकी वजह से उनकी पढ़ाई में रुचि खत्म हो जाती है। यह एक सामाजिक समस्या है जो कई लोगों के मतलब ऐसा ये लोग फेस करते हैं और उस वजह से, और फिर बाद में उनको ये ताना मिलता है कि लड़कियां जो पढ़ने में कमजोर होती हैं। आपने वैसी परिस्थिति उपलब्ध कराई है क्या? तो ये सब अलग विषय हैं जिसपे आप लोगों को निबंध, दरअसल यही होता है, निबंध का कोई सेट पैटर्न नहीं होता, आप कुछ भी सोचिए, कहीं से भी सोचिए, बस वो विषय से लिंक होना चाहिए। तो ऐसे ही हमारी क्लास भी है, इसमें आगे के भी जो टॉपिक्स हम लोग बताएंगे उनको डायमेंशंस को क्लास में ही डिस्कस करते चलेंगे कि क्या क्या हम लोग सोच सकते हैं सारी चीजें। फिलहाल देखिए कि ये जो है कि छात्रा की यौन शोषण मैंने खबर पढ़ी तो मेरा मन भीतर से कौंध गया। मैं सोचने लगा कि भारत जैसे देश में जहां गुरुकुल में शिक्षा प्रदान करने की सदियों पुरानी, यानी भारत जैसे देश में गुरुकुल में शिक्षा प्रदान करने की सदियों पुरानी गुरु शिष्य परंपरा का एक समृद्ध इतिहास रहा हो, वहां इस प्रकार की खबरें हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर कठोर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। तो अब देखिए, ये वास्तविक शिक्षा कैसी हो, तो मतलब हम एक ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में अभी की जो है प्रणाली वो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है। इसीलिए तो ये टॉपिक दिया गया है आपको कि वास्तविक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो ये टॉपिक इसीलिए दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गलत चल रहा है, तो इसी को हमने अपने भूमिका में डाल दिया है। कुछ लोग कहेंगे कि ये नेगेटिव भूमिका है, लेकिन वास्तव में ये नेगेटिव नहीं है। अब आगे देखिएगा कि हमें इसमें ये पूरी तरीके से आपकी टॉपिक से लिंक्ड अगर आपका भूमिका होगी तो सर्वश्रेष्ठ भूमिका मानी जाती है। यहां पर देखिए, हमारा टॉपिक की ये डिमांड है कि हम लोग उसको थोड़ा सा निगेटिव लेकर ही चलेंगे। उसके बाद देखिए कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली कठोर प्रश्न चिन्ह करा करती है। ऐसे में मुझे गांधी जी द्वारा व्यक्त की गई वह चिंता भी याद आती है जब वे कहते हैं कि आजकल अधिकांश लोग यह समझना ही नहीं चाहते कि वास्तविक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, यानी अधिकांश लोग ये जानना ही नहीं चाहते कि वास्तविक शिक्षा कैसी होनी चाहिए। अब देखिए, ये एक ऐसी लाइन है जो गांधी जी ने भी कही है और सेम यही टॉपिक जो आपका यूपीएससी के निबंध में भी पूछा गया है। तो और जैसे आदर्श शिक्षा का स्वरूप जो मैंने इस बार का अपना टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रैक्टिस के लिए टॉपिक दिया था, जहां पे आपका फ्री इवैल्यूएशन भी होता है, उसमें कई बच्चों ने अभी डाला भी है, उसको मुझे चेक भी करना है। तो वो सारी चीजें देखिए आप, कि अगर आप टॉपिक से रिलेटेड डालेंगे तो वो आपका सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो गांधी जी का संयोग से एक कोटेशन भी इस पे मिल गया कि आजकल अधिकांश लोग यह समझना ही नहीं चाहते कि वास्तविक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, आज हम इसे केवल आर्थिक उपार्जन के माध्यम के रूप में ही देखते हैं। तो ऐसे करके एक आपकी पूरी जो भूमिका है वो तैयार हो गई। अब इसको आप जो है काले पेन से लिख दीजिए तो ये और आकर्षक भी हो गए शुरू में। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हुआ कि दो चीजों का मिश्रण हो गया। पहली बात कि आपने एक कथन भी डाल दिया, एक सूक्ति भी डाल दी गांधी जी की, और एक उनका उदाहरण डाल दिया। साथ में हमने जो है इसको शुरुआत की एक घटना से और थोड़ा सा उसमें निजी संप्रेषण भी डाल दिया, तो उससे जो है आपका ये एक भूमिका इसकी थोड़ी सी आकर्षक हो गई। उसके बाद इसको जरा नीचे करिए और अब देखिए इसको एक चीज और समझ लीजिए। हालांकि ये भूमिका नहीं है, और थोड़ा सा नीचे, हालांकि ये भूमिका नहीं है, पर क्या होता है ना कि आप जो भूमिका लिखें उससे कनेक्ट करते हुए ही उसका अगला पैरा लिखेंगे, तो वो भूमिका आपका जो क्रमबद्धता होती है, लय जो बना रहता है, जो प्रवाह बना रहता है, वो बहुत बेहतरीन हो जाता है। तो ऐसा आपको खास तौर पे पहले पैरा में तो बहुत अच्छे से ध्यान देना है, यानी कि आपकी केवल भूमिका ही नहीं आकर्षक होनी चाहिए, भूमिका से संबद्ध जो अगला पैरा है वो भी कम से कम शुरुआती दो तीन लाइन उसकी आकर्षक रख दीजिए बस। उसके बाद आप बीच में थोड़ा बहुत कम भी करेंगे तो चलेगा, पर शुरू में ये सब चीजें ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका जो प्रवाह होता है वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए। प्रवाह का मतलब कई लोग समझते हैं कि प्रवाह होता क्या है, हर निबंध जो चेक होके आता है उसी में लिखा रहता है कि प्रवाह नहीं अच्छा है, प्रवाह नहीं अच्छा है।
तो प्रवाह बाधित है, तो उसका मतलब यही होता है कि जो प्रवाह का मतलब यहां से हम यहां पर आए और एकदम कनेक्शन फील हो, वो ऐसा ना लगे कि एकदम अलग से कुछ शुरू हो गया, यहां से एकदम फिसलते हुए चले आए। तो ये देखिए यहाँ पे गांधी जी की बात हो रही थी, उनकी एक कोटेशन थी और उसी को हमने आगे ऐसे करके बता दिया कि गांधी जी द्वारा तत्कालीन शिक्षा प्रणाली पर व्यक्त की गई यह चिंता कमोवेश आज भी एक शोचनीय विषय है। अब जैसे ये शोचनीय जो है ये आपका अशुद्ध शुद्ध शब्द में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आपको ये गलत नहीं करना है। आप जो आरओ ऑब्जेक्टिव का जो पढ़ रहे हैं डेली, जो हम लोग पीडीएफ आपको देते हैं और साथ ही जो वीडियो बनाते हैं, तो उससे आप लोगों को यही चीजें सीखनी है कि आपके निबंध में ये सब गलतियां नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि आपको वो केवल जो है आप पेपर के लिहाज से उसको सीखिए, बल्कि अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए भी उसको सीखिए। तो देखिए गांधी जी द्वारा व्यक्त की गई यह चिंता कमोवेश आज भी एक शोचनीय विषय है। भारत में ब्रिटिश शासन व्यवस्था द्वारा स्थापित स्वार्थ मूलक शिक्षण पद्धति, यानी और ऊपर कर दी और ऊपर, तो भारत में ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने जो शिक्षा प्रणाली स्थापित की थी वो स्वार्थ मूलक थी। तो स्वार्थ मूलक शिक्षण पद्धति ने वास्तव में आर्थिक लाभ महत्तमीकरण के सिद्धांत को ही शिक्षा के केंद्रीय ध्येय के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है। किंतु गांधी जी तथा डी स्कूलिंग, ये आगे से आपका निबंध का शुरू हो गया, ये मैं आप लोगों को सब नोट्स वगैरह मतलब सारी चीजें बता दूंगा, पॉइंट्स दे दूंगा, उससे आप लोग आगे का प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन शुरू का जो है उसमें बहुत अट्रैक्टिव रखना है। उसमें देखिए आपके पिछला जो बात थी उसी से कनेक्ट हुआ, ये आ गया कि यहाँ पे जो ब्रिटिश कालीन जो शिक्षण पद्धति थी उसमें वो वास्तव में आर्थिक लाभ महत्तमीकरण यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की स्कीम पे वो कार्य करते थे, उसी को शिक्षा के केंद्रीय ध्येय के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है वास्तविक जो एक शिक्षा कैसी होनी चाहिए उस पर एक आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं, एक अच्छी शुरुआत ये मानी जाएगी। अब ये दूसरा वाला खोल दीजिए जरा, साहित्य और समाज। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि एक मैंने जो सबसे पहला आपको टॉपिक दिया था साहित्य और समाज, हल्का सा ऊपर इसको ले लीजिए। तो आप जब भी निबंध लिखें तो सबसे पहले ये ध्यान रखें, ये जैसे जो भी खंड का है, मान लीजिए खंड का है ये, तो यहाँ पे ऊपर आप लिख देंगे खंड का, उसके बाद साहित्य और समाज जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक आपको जरूर लिखना है। कोशिश कीजिए कि आप स्केच पेन से लिखें, कोशिश कीजिए कि आप स्केच पेन से लिखें, तो वो थोड़ा सा और आकर्षक हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कोई भी कोटेशन ऐसी आ रही है तो उसको ब्लैक पेन से लिखिए प्रॉपर, उसको जो है यहाँ से ये उद्धरण वाला कर दीजिए। अगर आपको उसका ये पता है कि वो किसने कहा है तो उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं भी पता है नहीं भी याद आ रहा है तो ऐसा कोई तनाव लेने की बात नहीं है। हाँ ये जरूर है कि अगर पता होता है तो उससे थोड़ी सी प्रामाणिकता जरूर बढ़ जाती है। तो इसमें अगर हम देखते हैं साहित्य और समाज, तो देखिए साहित्य और समाज मेन हमारा सबसे अच्छी भूमिका अगर कोई मुझसे पूछे कि कौन सी होती है, तो अगर मुझे एक शब्द में उसका उत्तर देना हो तो मैं केवल यही कहूंगा कि जो विषय से जुड़ी हो, बस। आप कोई भी शब्द लिखिए, कैसा भी कुछ लिखिए, अगर वो विषय से जुड़ा है तो वो सबसे अच्छा माना जाएगा। और आप कितने भी उसमें शब्दाडंबर कर लीजिए, कितने भी बेहतरीन एकदम क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर लीजिए, अगर वो विषय से नहीं जुड़ा है तो बेकार है। आप कितनी भी उसमें कविताएं डाल दी, कई लोग ऐसा करते हैं कि वो प्रसंग समझते ही नहीं और केवल उसमें कविता झोंक देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं निगेटिव चला जाता है, क्योंकि वो आपका बस ये दिखाना चाहते हैं आपकी, आपको कविताएं आती हैं तो आप बता दे रहे हैं, लेकिन उसका ये निगेटिव जाता है, आप ये चीज समझिएगा, उसका निगेटिव क्या जाता है कि आपने जो कविता लिखी है उसका तो आपको मतलब नहीं पता है, उसको कहीं और लिखनी थी, आप उसका तो मतलब नहीं जानते हैं, साथ ही आप जो टॉपिक दिया गया आप इसका भी मतलब नहीं जानते, तो ये आपके लिए डबल नेगेटिविटी कार्य करता है। तो आप ये ना समझिएगा आप कि कैसी भी कोई भी कविता उसमें डाल दें। इसीलिए देखिए मैंने आपको जो हमारा और ऑब्जेक्टिव वाला जो मतलब ये पीडीएफ जो हम लोग डेली देते हैं और एक वीडियो सीरीज और ऑब्जेक्टिव की हिंदी की शुरू हुई है, उसमें हम लोग निबंध का जो कोटेशन देते हैं उसमें इसी वजह से हमें वीडियो बनाना शुरू करना पड़ा, क्योंकि हमने जब कॉपियां चेक की आप लोगों की जो, तो उसमें हमने ये पाया कि वास्तव में उसमें लोग लिख तो दे रहे हैं कविताएं मगर उसका प्रसंग ही नहीं समझ पा रहे, तो ऐसे तो ये चीजें और निगेटिव चली जाएंगी। तो देखिए अब देखिए साहित्य और समाज पे अगर हम बात करते हैं, साहित्य और समाज मतलब इन दोनों का उल्लेख हमें लेकर चलना है अपने भूमिका में। उस हिसाब देखें तो एक जो कोटेशन बड़ी अच्छी आती है, अपारे काव्य संसारे कवि रेव प्रजापति यथास्मे रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते, ये दो लाइन की है, आप लोगों को याद करने में कठिन लगेगी मुझे पता है, लेकिन फिर भी ये दो लाइन आपके निबंध को बहुत अलग बना देगी दूसरों से। दूसरी बात, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो एग्जामिनर होते हैं वो ठीक ठाक एज वाले होते हैं,
उनको वैसे भी संस्कृत में दी हुई चीजें थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, उनको लगता है कि हाँ कोई बहुत विद्वान एकदम बात कर दी गई है। जैसे हम लोग का जो टैगलाइन भी है वो भी ऐसे ही हम लोग ने रखा है कि मतलब वो भी एक लगता है, क्योंकि संस्कृत में दरअसल होता क्या है कि संस्कृत में चीजों को बहुत छोटे में यानी गागर में सागर कहने की वहां पर एक जो उसका जो हमारी उसकी व्याकरण है वो ऐसा परमिशन देता है कि हम लोग गागर में सागर वो प्रयोग कर सकें उसको। उसके कई सारे व्याकरण के अलग अलग चीजें हैं, जैसे वहां पे विभक्तियां वगैरह जो है उसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, तो वो इस वजह से वो जो है बहुत एक मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द समझ लीजिए कि वहां पर बहुत ज्यादा रहता है। अपारे काव्य, अब ये देखिए इसका क्या मतलब है। अब संस्कृत का जब भी लिखें तो उसका मतलब भी बताने की कोशिश किया करें, क्योंकि संस्कृत सभी के लिए उतना जो है मतलब पाचक नहीं होती है कि सभी को आसानी से पच जाए, तो इसलिए वहां पे आप मतलब भी उसको बता दें तो वो ज्यादा अच्छी स्थिति होगी। अगर आप मतलब नहीं बताएंगे तो फिर एग्जामिनर को लगेगा कि पता नहीं क्या लिख दिया है, तो हमें भी नहीं आता, मतलब वो कहीं अपने अहम पे ना ले ले, ईगो पे ना ले ले कि ये तो मतलब हमें घुमा रहा है या फिर ऐसा कुछ, या उसको हो सकता है ये चीज बुरी लग जाए कि भाई ये हम ही को नहीं पता, ये तो मतलब हमें ही चकमा दे रहा है। तो ऐसे करके आप एक अगर हिंदी उसका मीनिंग भी लिख देंगे तो और अच्छा उसका प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसमें हमने ऐसे लिखा है कि अग्नि पुराण में उल्लिखित, तो देखिए एक तो प्रसंग इसका हो गया, मतलब ये किसने कहा है, तो थोड़ी प्रामाणिकता इससे बढ़ जाएगी। तो अग्नि पुराण में उल्लिखित उपर्युक्त पंक्तियां, अब उपर्युक्त होता है कि उपरोक्त होता है ये आपको ऑब्जेक्टिव हिंदी की क्लास में वो मतलब जानने को मिलेगा, कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। अगर आप वहां से इसको नहीं याद करेंगे, इसको प्रयोग करना नहीं सीखेंगे, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे एक निगेटिव मार्किंग आपकी शुरू हो जाएगी। निगेटिव मार्किंग का मतलब निबंध में निगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है, परंतु नंबर आपके वो थोड़ा सा आपकी इमेज डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो अग्नि पुराण में उल्लिखित उपर्युक्त पंक्तियां साहित्य और समाज के मध्य अन्योन्याश्रित संबंध, अन्योन्याश्रित का मतलब होता है जो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, अन्य और मतलब दोनों एक दूसरे से आश्रित हो, ठीक है। तो अन्योन्याश्रित संबंध को उद्घाटित करते हुए कवि को विश्व में परिवर्तन लाने की शक्ति का स्वामी बताती हैं। तो ये जो है आप देखिए कि कवि को विश्व में परिवर्तन लाने की शक्ति का टॉपिक है साहित्य और समाज, तो यानी साहित्य में इतनी शक्ति है कि वो समाज को परिवर्तित कर सके, तो ऐसा जो है कवि को विश्व में परिवर्तन लाने की शक्ति का स्वामी बताती हैं। ऐसे में यह समझना रोचक होगा, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और थोड़ा ऊपर कर दीजिए यहाँ तक जी बस। अब इसमें देखिए वो थोड़ा जैसे ही हम बोले कि ऐसे में यह समझना रोचक होगा, तो ये आगे हो रोचक ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने जैसे ही ये लाइन बोली तो जो पाठक है उसको लगेगा कि क्या रोचक होगा भैया देखा जाए, तो आपने एक मतलब इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो अब वो है कि नहीं आगे देखते हैं कि ऐसे में यह समझना रोचक होगा कि क्या वाकई एक साहित्यकार इतनी अपार शक्ति से युक्त होता है कि वह समाज में बड़े परिवर्तन ला सके, कि मतलब क्या वास्तव में साहित्य जो है, साहित्य एक बहुत छोटी चीज, वो जो है मतलब कोई किताब लिख के इतने बड़े परिवर्तन ले आएगा क्या। यही चीज जो है हमने इसमें यहाँ पे लिख दी कि इतनी अपार शक्ति से युक्त होता है, क्या ये प्रभाव एकांगी होते हैं, अगर ऐसा होता भी है तो क्या ये प्रभाव एकांगी होते हैं, एकांगी मतलब एक तरफा जैसे वो प्रभाव डालते हैं, या समाज भी किसी रूप में साहित्य को प्रभावित करता है, मतलब साहित्य तो समाज को प्रभावित करता होगा लेकिन क्या समाज भी साहित्य को प्रभावित करता है। तो ये देखिए प्रश्न के माध्यम से हम लोग पूछ रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, फिर से यहाँ पर दो तरीकों का प्रयोग किया गया, एक तो हमने कविता प्रयोग की, सूक्ति कविता वाला अपना तरीका अपनाया, और दूसरा ये है कि प्रश्नों के माध्यम से भी हम ये बता रहे हैं कि हमारा निबंध ये किस दिशा में जा रहा है। तो ऐसे करके हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं, तो देखिए कि क्या ये प्रभाव एकांगी होते हैं, समाज भी किसी रूप में साहित्य को प्रभावित करता है, इन सभी पहलुओं की तफसील में पड़ताल, तफसील मतलब गहराई से पड़ताल हेतु यह जरूरी है। अब देखिए जरूरी में आपको यहाँ पे जाम में लगा दिए, ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा एडिशनल काम करता है अगर आप जो है नुक्ता वगैरह प्रयोग करेंगे तो इन सभी पहलुओं की तफसील में पड़ताल हेतु यह जरूरी है कि साहित्य का अर्थ उद्देश्य कार्य क्षेत्र तथा समाज से उसके संबंधों के विषय का गहन विश्लेषण किया जाए। अब देखिए कि ये इसमें ये बता दिया है कि अब हम क्या बात करेंगे, तो अर्थ की बात करेंगे, उद्देश्य कार्य क्षेत्र समाज से उसके संबंध, इन सभी विषयों पर बात करके ये समझने की कोशिश करेंगे, तफसील से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो है समाज और साहित्य में क्या संबंध है। तो भूमिका से आपका पूरा ये पता चल गया कि एक तो
कि मतलब इनमें संबंध होता है कि नहीं, और होता है तो कैसे कैसे होता है, इन सभी बातों को हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए वस्तुतः साहित्य शब्द की उत्पत्ति साहित्य शब्द से हुई है। ये आपका अपना निबंध शुरू हो गया, जो कि आपको मतलब नोट्स वगैरह में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है इस पे बेसिकली एक क्लास लेके मुझे समझाने की जरूरत होगी, जो इसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे। अब जैसे कुछ एक निबंध होते हैं जो कई कई बार पूछे जाते हैं, तो मेरा ये आपसे आग्रह है कि आप उन निबंधों को तो जरूर तैयार कर लीजिए जो कई कई बार पूछे हैं। जैसे साहित्य और समाज है, साहित्य और संस्कृति है। मैंने एक जो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने साहित्य और साहित्य वाले सेक्शन से, साहित्य और संस्कृति वाले सेक्शन से, उसमें मैंने बताया था कि कुल मिला के 5-6 प्रकार के ही निबंध अलग अलग बार में पूछे गए हैं UPPCS की सभी परीक्षाओं में। तो वो 5-6 प्रकार के ही निबंधों को अगर हम लोग तैयार कर लेंगे तो आपके समग्र रूप से मतलब 80-85% जो है आप निबंध अटेम्प्ट कर लेंगे। और जो 15% का नहीं भी कर पाएंगे, मान लीजिए किसी ईयर बहुत कठिन पूछ लिया, नहीं भी कर पाएंगे, तो आपको कई सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। मतलब 80% तो आप डायरेक्ट वहां पे हिट कर जाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो उसके पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ऐसे करके आप निबंध की एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए वही वाली कविता अभी जो मैंने ऊपर जो लिखा है संस्कृत का, तो अपारे काव्य सारे कवि रेव प्रजापति यथास्मे रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। आपको ये कठिन लगेगा, मैं जानता हूँ कठिन लगेगा, याद करना मुश्किल है, पर आप इसको डेली अपना प्रयोग करते रहिए। इसीलिए आपको जो है डेली PDF में ये चीजें दी जाती हैं, डेली वीडियो के माध्यम से कराया जाता है कि आप उसको डेली डेली प्रयोग करते रहिए। उसका कारण ये है कि ज्यादातर लोग वही लिख के आएंगे कि अंधकार है वहां जहां साहित्य नहीं है मुदा, जहां आदित्य नहीं है मुदा है वह देश जहां साहित्य नहीं। आप उसमें ऐसा कुछ डाल देंगे तो आपका निबंध विशिष्ट हो जाएगा। करना क्या है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम यही तो है ना कि आप कॉम्पिटिशन कैसे आगे रहते हैं। तो उसमें आप अगर इन चीजों को एक बार के लिए याद कर लेंगे, साहित्य और समाज ऐसा टॉपिक है जो कई कई बार पूछा गया है, कम से कम अब तक 15-20 बार से भी ज्यादा पूछा गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं का अगर हम बात करें तो उसमें देखिए। और ये सारी चीजें जो निबंध के बारे में आपको बताई जा रही है, BEO परीक्षा यानी खंड शिक्षा अधिकारी की जो आगामी परीक्षा है उसके लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि वहां पर भी आपका 100 नंबर के 2 निबंध वो मेंस में लिखने को आते हैं। तो इसलिए आप समझिए कि RO की परीक्षा, BEO की परीक्षा और साथ ही अपर PCS की परीक्षा, इन तीनों की परीक्षा की एक समग्र तैयारी यहाँ पर निबंध के हमारे सेक्शन के माध्यम से कराई जा रही है। साथ ही निबंध में जो विचार और भाषा की जरूरत होती है उसके लिए हम लोग डेली बेसिस पे एडिटोरियल आप लोगों के लिए डालते हैं, जो मूल एडिटोरियल 8-9 अखबार होते हैं उनका एक मतलब अंडरलाइंड वे में सारी इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करके वो आप लोगों के लिए उपस्थित कराते हैं, जिससे आप लोग बेहतरीन विचारों और शब्द संसार का अपना निर्माण कर सकें और उसको अपने निबंध और GS आंसर राइटिंग में यूज कर सकें। आज जो है हम लोग इन्हीं 2 टॉपिक्स को लेंगे, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा हो गया है, लंबा हो गया, और जो अगला टॉपिक है उसको हम लोग फिर अपने किसी अन्य वीडियो में उसको डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।